हिंदू महाकाव्य के चार सबसे कठिन स्वयंवर जिसे योद्धा तो क्या देवता तक नहीं जीत पाए। आखिर कौन से थे ये चार खास स्वयंवर, तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। रामायण और महाभारत के समय में ऐसे ऐसे स्वयंवर हुए जिनकी परीक्षा बेहद ही कठिन और खतरनाक होती थी, और इसे जो योद्धा पार करता वही उस दिव्य कन्या को हासिल कर पाता। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी स्वयंवर हुआ था जिसमें कर्ण और अर्जुन दोनों विफल हो गए थे। अधिकतर लोगों को केवल द्रौपदी का स्वयंवर का ही ज्ञान है और उसी को सबसे कठिन मान लेते हैं, लेकिन द्रौपदी स्वयंवर से भी कठिन और भी कई सारे स्वयंवर आयोजित हुए थे। तो चलिए जानते हैं कौन सा था ये खास चार स्वयंवर। सबसे पहला था दमयंती स्वयंवर। निशांत के राजा वीरसेन के पुत्र का नाम नल था। उस समय गंधर्व राज्यों पर भील नामक राजा राज्य करते थे और उनके तीन पुत्र और एक पुत्री थी जिनका नाम दमयंती था। दमयंती और नल काफी सुंदर थी, एक दूसरे की प्रशंसा कर बिना देखे ही वह एक दूसरे से परस्पर प्रेम करने लगे थे। कलंतर में दमयंती का स्वयंवर का आयोजन हुआ। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम ये चारों ही उसे प्राप्त करने के लिए इच्छुक थे। उन्होंने भूलोक में नल को अपना दूत बनाया। नल की ये बताने से भी कि वह दमयंती से प्रेम करता है, उन्होंने उसे दूत बनाने के लिए बाध्य कर दिया। दमयंती ने जब नल का परिचय प्राप्त किया तब स्पष्ट कहा कि आप उन चारों देवताओं को मेरा प्रणाम कहिएगा, किंतु स्वयंवर में तो वर्ण मैं आपका ही करूंगी। स्वयंवर के समय उन चारों ने ही नल का रूप धारण कर लिया। दमयंती विचित्र परिस्थिति में पड़ गई। उसके लिए नल को पहचान पाना बिल्कुल असंभव हो गया था। देवताओं को मन ही मन प्रणाम कर उसने नल को पहचानने की शक्ति मांगी। वही दमयंती ने देखा कि पांचों में से चार को पसीना ही नहीं आ रहा है। उनके पुष्प मालाएं एकदम खिली खिली और ताजी दिख रही है और उनकी आंखों की पलके भी नहीं झपक रहे हैं। जब वह अपने सिंहासनों पर बैठते हैं तो उनके पैर पृथ्वी के तल को स्पष्ट ही नहीं कर पाते और उनकी परछाई भी नहीं पड़ती है। उन पांचों में से एक पुरुष ऐसा भी था जिसकी परछाई भी पड़ रही थी, जिसको पसीना भी आ रहा था और जिसके गले में फूल माला थी, वो भी थोड़ी अजीब सी लग रही थी। ये देखते ही दमयंती ने पांचवे पुरुष को अपना राजा नल पहचान कर उनका वर्णन किया और इस प्रकार दमयंती का विवाह नल से हुआ। तीसरा था लक्ष्मणा स्वयंवर। श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद अध्याय 83 के अनुसार भद्र नरेश व्रतसेन को ये जब ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्री लक्ष्मणा श्री कृष्ण से प्रेम करती है, तब उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा की पूर्ति करने के लिए जिस प्रकार द्रौपदी का स्वयंवर स्वयं राजा द्रौपदी ने करवाया था, वैसा ही स्वयंवर लक्ष्मणा के पिताजी ने आयोजित करवाया। लेकिन लक्ष्मणा स्वयंवर की एक खास विशेषता थी, यहाँ जो मत्स्य दिख रही थी वो पहाड़ से पूरी तरह ढकी हुई थी, केवल जल में ही उसकी परछाई दिख रही थी। जब ये खास समाचार राजाओं को मिला तो समस्त लोगों के अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता कई सारे राजा मद्र नरेश के राजधानी में आने लगे। उनमें से कितने ही राजा तो धनुष पर प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा सके। बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर अम्बुज नरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन और कर्ण के साथ ही अर्जुन, इन लोगों ने धनुष पर डोरी तो चढ़ा दी परंतु उन्हें मछली का स्थिति का पता नहीं चल सका। वहीं विशेष तौर पर अर्जुन ने जल में उस परछाई तो देख ली, ये भी जान लिया कि वो कहां पर है और बड़ी सावधानी से बाण भी छोड़ा, पर वह अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाए क्योंकि उनका बाण केवल उस मत्स्य को स्पर्श ही कर पाया। अधिकांश योद्धा हार चुके थे। जब बड़े बड़े महावीरों को ऐसे हारते हुए देखा तो कई सारे राजाओं ने तो लक्ष्मणा को पाने का लालसा ही छोड़ दी। तब भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए, उन्होंने खेल खेल में ही उस धनुष को उठाया, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और एक बाण सदा जो सीधे जाकर मछली पर टकराया और इस वजह से लक्ष्मणा को अपना प्रेम मिल गया, यानी लक्ष्मणा और भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हो पाया। दूसरा सबसे कठिन स्वयंवर था स्वयं द्रौपदी का स्वयंवर। राजा द्रौपदी ने अपनी पुत्री का विवाह स्वयंवर में आयोजित किया था। राजा द्रौपदी ने जब स्वयंवर की घोषणा कर दी तब यह सुनकर सभी राजा उनकी राजधानी में एकत्रित होने लगे।
स्वयंवर के लिए रंग मंडप पर निवान किया गया। तब वहां दृष्टद्युम्न द्रौपदी को लेकर रंग मंडप पर खड़े होकर बोले, यहां आए समस्त राजागण ध्यान पूर्वक मेरी बात को समझे। यहां एक धनुष है, एक बाण और एक निशाना। आप लोग आकाश में देख रहे होंगे किस तरह से यह मत्स्य घूम रही है। आपको सर्वप्रथम धनुष को उठाना है, उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाना है, फिर बाण का साधन करके उस मत्स्य की आंख पर निशाना लगाना है। लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी सूचना यह है कि आपको आकाश की तरफ देखकर नहीं बल्कि पानी में उस मत्स्य की प्रतिबिंब को देखकर ही निशाना साधना होगा। जो भी सर्वश्रेष्ठ वीर अपने श्रेष्ठ बल का परिचय देगा वही मेरी बहन द्रौपदी को प्राप्त होगा, और द्रौपदी उसी का वर्णन करेगी, उसके गले में माला डालेगी। तब शुरू हुआ द्रौपदी का कठिन स्वयंवर, जहां दुर्योधन दुशासन विकर्ण धीरे धीरे करके सभी पुरुष पधारे, लेकिन कोई भी बाण का संधान नहीं कर पाया। इनके अतिरिक्त अश्वत्थामा और भोज उत्तर के साथ राजा विराट, कीर्तिवर्मा, वासुदेव, जयद्रथ, शिशुपाल इत्यादि नरेश वहां द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए पहुंचे हुए थे। वहां पर बलराम और श्री कृष्ण आदि भी आए हुए थे, जो कि पूर्णतः अतिथि के रूप में थे। वो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उपस्थित नहीं थे, लेकिन वहां मौजूद सभी राजा ने प्रयत्न किया लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। तब सूर्यपुत्र कर्ण ने जो धनुष को उठाया वो ये कारनामा कर सकते थे, लेकिन उन्हें शूद्र पुत्र कहकर इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया गया। सभी योद्धा और राजा पूर्णतः अपना अपना प्रयास कर चुके थे, लेकिन कोई भी उस धनुष को नहीं उठा पाया, कोई उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया, कोई बाण का साधन नहीं कर पाया। अंत ब्राह्मण का वेश धारण करके अर्जुन ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण का साधन किया और मत्स्य की आंख पर निशाना लगाया, और इस प्रकार द्रौपदी ने स्वयं अर्जुन से विवाह किया था, जिसके बाद का वृतांत तो आप सभी जानते ही हैं कि किस तरह द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी कहलाई। वही पहले नंबर पर मौजूद स्वयं माता सीता का था। दरअसल माता सीता के स्वयंवर के संबंध में अलग अलग कथाएं हैं। रामचरितमानस के अनुसार राजा जनक ने मिथिला में एक स्वयंवर का भव्य आयोजन किया था। वहां बहुत सारे राजाओं ने भगवान शिव के उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, जिसे सब विनायक धनुष कहते थे, परंतु वो सभी विफल हुए। तब राजा जनक को बेहद दुख हुआ और फिर वो क्रोधित हो गए। उन्होंने सभी को कठोर शब्द का प्रयोग किया, जिसे सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि श्री राम बिना किसी परिश्रम के ही धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं। और उसी के उपरांत श्री राम ने विश्वामित्र जी का आशीर्वाद लिया, उसके बाद धनुष को प्रणाम किया और फिर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। ऐसा करते ही धनुष टूट गया। वहीं अगर वाल्मीकि रामायण का ध्यान किया जाए तो उसके अनुसार राजा जनक ने कभी भी सीता का स्वयंवर ही नहीं किया था। राजा जनक ने केवल ये घोषणा की थी कि जो कोई भी शिव धनुष को उठाकर उस पर, तो वह उस व्यक्ति से अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। एक बार जब श्री राम, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी मिथिला महाराज जनक के यहाँ पर पधारे, वो भी उस समय वर यज्ञ चल रहा था, तब उन्होंने एक अद्भुत धनुष को देखा। कहते हैं उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का पर्याप्त बल ना तो देवताओं में था, ना तो असुरों में था और ना ही राक्षसों में था। बड़े बड़े राजा भी ये कार्य नहीं कर सके, और उस विशाल धनुष को श्री राम ने बिना प्रयास के ही उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा ली। परंतु जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद उसकी धनुष की डोर को उन्होंने खींचा, तो वह धनुष बीच में से ही टूट गया। तब वहां राजा जनक ने माता सीता का विवाह स्वयं भगवान प्रभु श्री राम से किया। तो दोस्तों यही थे वो चार सबसे कठिन स्वयंवर। लेकिन सिर्फ यही नहीं थे, बल्कि इसके अतिरिक्त हमारे ग्रंथों में और भी कई सारे स्वयंवरों का ज्ञान मिलता है, जैसे कुंती का स्वयंवर, इंदुमती का स्वयंवर, रुक्मणी का स्वयंवर, अंबिका अंबाली का स्वयंवर। साथ ही साथ एक ऐसा भी स्वयंवर था जिसमें कर्ण की सहायता से दुर्योधन ने भानुमती का हरण किया था। ऐसे ही कई सारे ऐसे स्वयंवर थे जो बेहद ही कठिन थे, लेकिन हमने आपको बताया बेहद कठिन से भी कठिन स्वयंवर। इनमें से आपका पसंदीदा स्वयंवर कौन सा था हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए।
और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।